हेमलो श्यामलो जी, क्या हाल चाल है? सारे फिट फाट हैं? तो इंशाल्लाह आज जो हमारी बाइक का रिव्यू होने वाला है वो आपने बताना है मुझे, ठीक है? जो बाइक आप कहेंगे उसी बाइक का रिव्यू कर देंगे, ठीक है? रिव्यू के साथ साथ हम आपको जो है उसकी राइड भी चेक करवाएंगे। दो बाइक इधर खड़ी हुई हैं, ठीक है? तो एक भाई मुझसे पूछ रहा था कि यार आपकी गाड़ी भी है यार, है तो उस पर भी इंशाल्लाह बनाएंगे, पहले बाइक्स पे सारी पे बना लें, ठीक है? इसकी राइड वगैरह आपको चेक करवाएंगे, उसके बाद फिर गाड़ी पे भी आएंगे। अभी आपको अपने घर वाली बाइक्स दिखाते हैं, उसके बाद अपने गैराज पे जाते हैं, ठीक है, डेरे पे, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कौन सी बाइक पे आज जो है हम ड्राइव करें। तो चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। तो जी जनाब, बाइक हमारी जनाब सब रेडी है, ठीक है? इन दोनों में से अब आपने बताना है कि जो है मैं कौन सी बाइक पे जो है राइड करूँगा। नाम मेरा इस पर लिखा हुआ है, एक इस पर नाम लिखा हुआ है मेरा, ये मेरे बड़े भाई की है, समझो हमारी ही है। तो अब आपने इस पे बताना है, इस पे मैं राइड करूँ या इस पे करूँ, ठीक है? तो ये मुझे जल्दी से बताएं, ठीक है? फिर इंशाल्लाह मैं अभी गैराज की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ, उसके बाद हमने जो है डिसाइड करना है कौन सी बाइक हम राइड करें। मेरा है कि 2022 मॉडल पे करेंगे हम, होंडा 125 सेल्फ स्टार्ट पे, जो कल हमने किया था 2020 वाले मॉडल पे। फिर हम सीढ़ी पे आएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी पे भी आ जाएंगे। सब्र लो यार, अभी डेरे पे अपने आ चुके हैं, ठीक है? अभी आपको चेक करवाते हैं बाइक्स और सारा निज़ाम आपको अभी चेक करवाते हैं, पहले लॉक वगैरह। तो जी जनाब, डेरे पे हम आ चुके हैं, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं अपनी बाइक्स, बाकी भी आपको दिखाते हैं, ये वाली भी आपको चेक करवाते हैं, और उसके बाद जो है होंडा 125 इसकी हम आज ज़रा राइड करेंगे, ठीक है? फिर इंशाल्लाह गाड़ी पे भी आएंगे, आपको सारे माहौल और सारा कुछ दिखा देंगे। यार एक भाई कह रहा था कि यार गाड़ी पे कब बनाएंगे, तो गाड़ी पे इंशाल्लाह बना देंगे, थोड़ा सा सब्र कर जाएं आप, इंशाल्लाह गाड़ी पे भी बना देंगे। इसका तो यार अभी इसमें पेट्रोल वगैरह भी नहीं डला, ठीक है ना? ये अभी न्यू आया, इसमें पेट्रोल वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं है, ना इसमें उबलैल है ना कोई चीज़ है, ये जैसे ही न्यू आया वैसे ही खड़ा हुआ है, ठीक है ना? आप देख सकते हैं 2023 मॉडल है, और ये वाला जो हमारा होंडा खड़ा हुआ है जिसका हम कलर रिव्यू किया था हमने और राइड आपको चेक करवाई थी, वो था 2020 मॉडल। ये वाला जो है 2022 मॉडल है। आज हम, मेरा ख्याल है कि इस पे हम करेंगे, क्योंकि ये वाला तो अभी चालू नहीं है, इंशाल्लाह इसे भी चालू करेंगे। रिमोट इसका मैं लेके आया हूँ, चेक करवा देता हूँ आपको, इसी का लेके आया हूँ, ठीक है? चेक करते हैं थोड़ा सा, बोलता है कि नहीं बोलता, चेक करें, बोलता है भाई। अभी इसको गर्म करेंगे, क्योंकि ये गर्म बिल्कुल भी नहीं है, गर्म थोड़ा सा भी नहीं है, अगर गर्म ना किया ना ये सलफ उठाएगा ही नहीं। अभी पहले इसे गर्म करते हैं, फिर मैं आपको सारा चेक करवाता हूँ। अभी इसे पहले साइड पे करते हैं, फिर इंशाल्लाह गाड़ी का भी आपको रिव्यू चेक करवाएंगे, थोड़ा सा बस ज़रा सब्र कर लें, फिर इंशाल्लाह करवा देंगे। बाइक हमारी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? इस पर अभी 2-3 दिन पहले मैंने राइड की थी, इसलिए जो है ये जल्दी स्टार्ट हो गई, अदरवाइज़ ये जल्दी स्टार्ट नहीं होता, ठीक है ना? क्योंकि ठंडा हो जाता है ये, खड़ा रहता है। अभी ये इतना चला भी नहीं है, सिर्फ तकरीबन मेरे ख्याल में ये 1000 किलोमीटर भी बामुश्किल चला होगा, ठीक है ना? जब से लिया ये खड़ा ही हुआ है। तो एक और भी 125 है, वो दिखा देते हैं, वो अपना नहीं है लेकिन उसका भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। आज आपको 3-3 125 दिखा दिए, इसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, तो इसलिए ये हमारा नहीं है, ठीक है? तो आज हम इस पर जो है अपनी राइड करेंगे, आपको चेक करवाते हैं थोड़ा सा साउंड वगैरह। वैसे यार चाहे ये न्यू बाइक है ना, मॉडल चाहे न्यू है ये, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो 2020 मॉडल है यार। उसकी जो वेट है वो इससे भी 10 किलो ज़्यादा है, क्योंकि वो पुराना मॉडल है, 2020 है। उसकी जो चलने की, मैं कहता हूँ कि स्मूथनेस है ना, वो इसमें भी नहीं है। पता नहीं, फिर शायद मुझे लगता है क्योंकि वो चला चला के। चलो इसे भी चेक करते हैं और इसका भी साउंड वगैरह आपको टेस्ट करवाते हैं, और इसे अभी ले कर चलते हैं बाइक, फिर इंशाल्लाह आपको ज़रा थोड़ा सा राउंड टेस्टिंग करवाते हैं। तो जी जनाब, बाइक हमारी बाहर आ चुकी है, ठीक है? एक बार आपको बाहर से इसकी लुक चेक करवाते हैं, फिर आपने इसकी ग्रेस चेक करनी, क्योंकि अंदर जो है वो साफ बिल्कुल नज़र नहीं आता। अब आप चेक करें और अब आप बताएंगे गाड़ी की लुक किस तरह आपको लग रही है। इसकी मॉडिफिकेशन और तरीके की है, दूसरी की मॉडिफिकेशन और है। जनाब आ चुके हम कॉलोनी में, ठीक है?
यहाँ पे जरा इसकी शूटिंग वगैरह करते हैं, आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पे ना पिक्चर बड़ी जबरदस्त आती है, पिक्चर का हॉल और ये वो। हमारी कॉलोनी अपनी भी ठीक है, काफ़ी जगह उस पर ठीक है, लेकिन ये जरा ज़्यादा डेकोरेशन वाली है, तो यहाँ पे हम आके शूटिंग करते हैं। जी जनाब, हमारी बाइक जो है गर्म भी हो चुकी है, बिल्कुल जो है ना ठंडी हुई पड़ी थी, अब बिल्कुल सेट है। साउंड टेस्टिंग आपको करवाते हैं और अब आपने बताना है कि इसकी अब आपको लुक किस तरह लग रही है। एक दफ़ा बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे यार बाइक का आप पूछ रहे थे, वो आपकी बाइक है यार। अब सब पे मेरा नाम तो नहीं लिखा होना ना, तो मेरे भाइयों का नाम भी है, हम संधू ब्रादर हैं तो ठीक है ना, सारे भाइयों वगैरह का नाम भी होता है, सबका नाम होता है। चेक करें यार इसकी लुक, फिर तुम चेक करो ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आगे जो है उसका अपनी जो गाड़ी है उसका भी, गाड़ी यार इस तरह का हिसाब है हमारे पास चेंज होती रहती है, एक गाड़ी नहीं रहती है हमारे पास, ये नहीं है कि बस वो एक खड़ी है और वही रहती है, ठीक है। हमारे पास गाड़ियाँ चेंज होती रहती, कभी आल्टो कभी GLI होंडा सिविक, तो इस तरह जो है ना मामला चलते रहते हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि इसका मैं आपको ना रिमोट से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये होगी जनाब साहब, इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये लॉक होगी, ये अनलॉक होगी, ये चेक करें, ये रिमोट से हुआ है, रिमोट से ही बंद कर देता हूँ इसको। ये बंद हो गया, रिमोट से बंद हो गया, और रिमोट से इसको ओपन करते हैं हम, चेक करें ज़रा। अब नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा है ना, एक से हो गया, अब दूसरा जो है नहीं सलफ लग रहा। एक बार फिर मार के देख लेते हैं, नहीं होगा। अब ये हम जो है ना किक से ही स्टार्ट करेंगे तो फिर ही होगा, चलो करके इसे देख लेते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश मॉडल खड़ा हुआ है यार, कल इसकी प्राइसेस बिल्कुल हैवी हो गई। हाँ जी, तो आ चुके हैं हम अपने डेरे पे, राइड हमने जो है आपको चेक करवा दी है। अब इसको खड़ा करते हैं और थोड़ी बहुत आपको आगे जो है वो तो गाड़ी की बाकी रिव्यूज़ भी चेक करवाते हैं, ठीक। तो चलते हैं आगे। तो आ चुके हैं हम अपने डेरे पे, उम्मीद करता हूँ आपको आज की थोड़ी बहुत जो है हमारी व्लॉगिंग का जो है सीन पसंद आया होगा। इस तरह आप डेली प्लान पे जो है बेसिस पे हमें प्लान बताते जाएंगे। दरवाज़ा मैं बंद कर देता हूँ, ऐसे यार फिर बाहर कोई आ जाता है, फिर आके खुद ही खड़ा हो जाता है, बाहर जाता ही नहीं है, जो भी आ जाता है वो कहता है भी हमें सारा कुछ जो है ना चेक करवाओ और सारा सीन हमें दिखाओ। बाइक को भी बंद कर देते हैं, हो गई है गर्म बिल्कुल। ये रिमोट से इसे ये देख लेना, ये बंद नहीं हो रही। अब ये रिमोट से, क्योंकि रिमोट से हमने इसको ऑन किया था, अब ऑफ ही रिमोट से ही करेंगे। ये चेक करें, ये बिल्कुल बंद हो चुकी है। रिमोट हमने इसका निकाल देते हैं, अब इसे हम कर देते हैं लॉक। ये होगी अब लॉक, ठीक है। तो अभी इसको अनलॉक ही कर देते हैं क्योंकि अभी मैंने इसकी सेटिंग करनी है। फिर ये अब देखना, अभी मैं इसे हिलाऊंगा ना चीखें मारने लग गए, तो इसलिए फिर इसकी चीखों से भी डर लगता है। बाकी इंशाल्लाह इस पे भी बहुत जल्दी रिव्यू लेके आऊँगा मैं अपना, ठीक है। इसकी भी राइड और इसका भी साउंड टेस्टिंग वगैरह आपको सारी करवाएंगे। फिलहाल अभी ये बंद है बिल्कुल, ठीक है। और इसको भी इंशाल्लाह हम जो है मार्केट में लेके आएंगे। तो जल्दी से हमारे यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह की आपको मज़ेदार वीडियो जो है मिलती रहे इंशाल्लाह। क्योंकि पहले मैं जो चीज़ें बनाता था वो सिर्फ बनाता था गाड़ी पे जाके मैं रिव्यूज़ कर देता, ठीक है। अब जो है मेरी ये दूसरी वीडियो है व्लॉगिंग के हिसाब से आ रही है, इंशाल्लाह मज़ीद दिन ब दिन जो है आपको तकरीबन 10-12 दिन के अंदर अंदर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी हर लिहाज से। क्योंकि जो मेरा पहले जो भी सीन रह चुके हैं वो सिर्फ गाड़ी पे मैं जाके सिर्फ एक वीडियो बना देता था, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं करता था, जाके वीडियो नहीं लेके आ गया, ठीक है। और अब मैं जो है अपनी ही गाड़ियों पे इंशाल्लाह व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा बहुत जल्द, ठीक है। आपको चेक करवाएंगे सारा सीन, सारा कुछ आपको इंशाल्लाह चेक करवाएंगे। तो आपने बस हमारे साथ जुड़ते रहना है, ठीक है। चैनल को यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको जो है वीडियो शेडियो मिलती रहे। मेरा एक दूसरा चैनल है SN संधू वर्ल्ड, ठीक है, वो एनिमल्स पे है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दो। और अगर इस पे आपने स्टे करना है इसको अभी से कर दो, और बेल का आइकॉन दबा दो, ताकि आपको जो भी वीडियो आपको खुद ना जाना पड़े वो खुद ही आप तक जो है पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको मज़ीद VIP जो है ब्लॉगिंग जो है आपको मिलती रहेगी। आइडियाज़ आप लोगों ने देना है। अब एक भाई ने मुझे आइडिया दिया यार आप गाड़ी पे भी बनाएं,
तो भाई गाड़ी पे भी बनाऊंगा, पहले अपनी बाइक्स पे थोड़ी बहुत आपको दिखा दें, फिर इंशाल्लाह उस पे भी आएंगे और इस तरह फिर आपको मज़ीद गाड़ी की जो है मॉडिफिकेशन के हिसाब से भी हम जाएंगे, ठीक है ना। इसकी तो अब मॉडिफिकेशन हो गई है, तो जब हम गाड़ियों की जो है मॉडिफिकेशन करवाएंगे उनकी भी वीडियो और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। बस आपने जो है यहाँ पे रहना है और साथ आपने जुड़ना है, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको